ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय नमः। करेक्ट टाइम, अशोक अब आ जाएगा। Everything okay? Okay. बाद में अपने रायपुर के लड़कों को बता देना। ठीक है। भूलना मत। डन। जाएगा। मेरी बेटी को किडनैप करके शादी करवाता है। चलो। ए, अब जो शादी होने वाली है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा अशोक ने कहा है। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। 8:25 हो गए। अशोक ने कहा 8:30 आएगा और 5 मिनट बाकी है, वो जरूर आएगा। तुम फिक्र मत करो, क्या देख रही हो? अरे वो इंसान तो प्यार के लिए ही जीता है। और आओ उधर, पकड़ो उसे।
अशोक, रजिस्ट्रार ऑफिस इधर है, तू वहां कहां जा रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल। ए, सब लोग मुझे 95 नेहरू नगर फर्स्ट स्ट्रीट पर आकर मिलना, ओके? ठीक है। संभल कर। जल्दी करो, पकड़ो। अशोक अभी तक क्यों नहीं आया? अरे मेरे टमाटर खराब कर दिए। Oh,
टाइम हो गया है, इधर नहीं आया तो उधर जरूर आएगा। चलो चलो। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। ये मिठाई खाइए सर। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही बहुत है। लीजिए ना। आप भी खाइए ना। ए, हेलो, आराम से जरा संभल कर, इसे अभी खा लोगे क्या? लास्ट बॉल, गुड कैच। थैंक यू सर। चलिए चलिए। अरे यार आज तो तेरी शादी हो गई। यही है वो। तुम में से अशोक कौन है? मैं नहीं हूं सर। मैं हूं सर। अब तक तू 24 शादियां करा चुका है, तू अपने आप को क्या समझता है? ए भाई, ये ऊंची आवाज में क्यों बोल रहा है? ये इंस्पेक्टर नया है, तुम्हारे बारे में नहीं जानता, वो सब मैं देख लूंगा। पैसे? ए, 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 जल्दी पैसे दे। हाँ, ओके। कवर में पैसे है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पिछली बार आपने खाली कवर दिया था इसलिए। अच्छा, तुम्हारे साथ एक पागल वकील भी होता था ना, वो कहाँ है? योर ऑनर, आगे। गवाह और हालातों को मद्देनजर रखकर मेरा मुवक्किल गुनेगार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए, ये पुलिस स्टेशन है। कम से कम यहाँ तो बोलने दो भाई। आ गया वाश बेसिन का मुंह। इसने तो वाश बेसिन में ब्रश भी रखा है। चुप कर। ओए, तुझे आने के लिए कब कहा मैंने? मैं जब उधर गया था तब तुम लोग उधर गए और मैं इधर आया तब तुम लोग इधर आ गए। तू इधर भी लेट आता था, मैं उधर जाना पड़ता है। किसने किया? मैंने नहीं, उन्होंने किया। ठीक है जल्दी काम निपटा। ठीक है। ए, तू किधर जा रहा है? तेरा काम इधर है। साहब को फाइल देना। साहब जरा फाइल देख लीजिए। तू चुप कर। सर, उस लड़की के एज प्रूफ का बर्थ सर्टिफिकेट और जो रजिस्टर मैरिज किया उसकी सारी कॉपीज इस फाइल में है। सारे प्रूफ लीगल हैं। मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सॉरी सर। ला, तू यहाँ पे बहुत काम कर चुकी, अब बस रख और घर चल। ये क्या क्या हुआ? मेम साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ये छोटी थी इसीलिए इतने दिनों तक आपके पास रखा था, लेकिन अब ये बड़ी हो गई है और आपके बेटे के मदद से ये किसी से भी प्यार कर सकती है और यहाँ से शादी करके चली जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी। मैं एक बार अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दूंगी, लेकिन आपके यहाँ पे कभी काम पे नहीं रखूंगी। चल रहे, बड़े आए कहाँ से? आपको तो कुछ भी पड़ी नहीं, हमेशा पेपर में ही खोए रहते हैं। अरे, ये सब तुम क्यों उठा कर ला रही हो? हाँ, अच्छा, काम वाली किधर है? वो है ना आपका लाडला बेटा, सब उसकी मेहरबानी है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। काम वाली कहती है अपनी बेटी को एक बार अपने हाथों से कुएं में ढकेल दूंगी, लेकिन उसे इस घर में काम करने के लिए हरगिज नहीं भेजूंगी। आते जाते सब लोग मुझे रिश्तेदार बनाते हैं। मार्केट में जाती हूँ तो जवान लड़के मुझे देख कर कभी आंटी कहते, मैडम कहते, एक ने तो मेरे को दादी भी कह दिया। सब उसकी तारीफ करते। अशोक सर से मेरी सिफारिश कीजिए, 10 लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और लड़की के घर वाले मुझे दुश्मन की नजर से देखते हैं। आज मैं इसका फैसला करके रहूंगी। आप उससे बात करेंगे या मैं उससे बात करूं? इसे अंदर आने के लिए कहो।
बैठो। नहीं ठीक है पिताजी। ब्रेकफास्ट किया क्या? हम अभी तो किया। मुझे तुमसे एक जरूरी विषय के बारे में बात करनी है। मेरे ऑफिस के क्लर्क रामास्वामी की बेटी किसी पैसे वाले लड़के से प्यार करती है। लड़के के घर वाले शादी के खिलाफ हैं। इस मैटर को तू ही सॉल्व कर सकता है। तेरे भरोसे पर मैंने उन्हें वचन दिया है बेटा। बात हो गई क्या? हाँ हो गई। ए, टाइम क्या हुआ? 8। ठीक है मैं निकलता हूँ। क्या रे, बड़े बड़े नेता जैसे अपने वादे तोड़कर चले जाते हैं, वैसे तू ये खेल छोड़कर कहाँ जा रहा है बता मुझे। वाह बेटा, चेहरे पे 1000 वाट बल्ब की चमक नजर आ रही है। इसका राज क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी से घर नहीं गया तो मम्मी डैडी डांटेंगे। अरे ये इतना फेंक रहा है, हम सब इतने बेवकूफ लगते हैं क्या? अरे तुम लोग अभी तक समझे नहीं क्या? अभी तक वो दुनिया भर के प्रेमियों को मिला रहा था, अब अपना मामला फिट करने पे लगा है। नहीं यार। ए, बता कौन है वो? भवंस कॉलेज मीठी भाई या जैन कॉलेज में पढ़ती है बता? C है, 29B है या 12B है? लंबी है, गोरी है, काली है? ए, प्लीज। 250। ₹1-2। अशोक, ए अशोक, ए क्या रे सपने में खो गया? कौन है वो लड़की? मुझे तो बहुत पसंद है, जब वो मुझे पसंद करने लगे तब तुम लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये क्या हुआ? बाल सफेद हो रहे हैं क्या? अरे अरे अरे, अरे। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या? हे भगवान, अभी तो इतनी मेहनत करके मुझे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिला है, इतनी जल्दी सफेद बाल? हाँ, अभी तक तो मैंने जरा भी मौज मस्ती नहीं की है, मेरी जवानी इतनी जल्दी व्यस्त हो जाएगी। हाँ, आ गोपाल, कैसी तरह गाड़ी चल रही है, लड़का होकर भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? और नहीं तो क्या, 20 साल का होते ही बाप काम पर जाजा कह के भगाता है, और शादी के बाद पत्नी घर सर पर उठाती है, उसका अलग टेंशन, और उसके बाद क्यों पैदा किया करके बच्चों का टेंशन। मर्दों की लाइफ ही बेकार है यार। मर्दों की लाइफ बेकार है कह रहा है? तुमने अपनी मूछें भी मुड़वा दी है, तुझे क्या हो गया? अरे एक काम के लिए एप्लीकेशन देना है, ₹300 पोस्ट करने के लिए चाहिए, जेब में फूटी बॉडी भी नहीं। ये कोई बात है क्या? खुद गलती करके दूसरों को क्यों दोष दे रहा है? गवर्नमेंट जॉब बोलता फिर रहा है, खुद का काम करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं सोचता तू? यहाँ बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है और तू धंधे की बात कर रहा है, उसके लिए पैसे कौन देगा? बिना पैसे का मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बताता हूँ। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ उसके लिए पैसे भी नहीं लगेंगे और टैक्स भी नहीं लगेगा, ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब लोग तेरे पास खुद आएंगे, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, दूसरे मेहनत करेंगे और फायदा तुझे होगा। इतना ही नहीं, इस धंधे में तू कभी रिटायर भी नहीं होगा। बांजे, मैं नौकरी के लिए कितना भटक रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, बता वो काम क्या है? फिकर मत कर,
ये काम करने में जरा भी मत शर्माना। तू किस धंधे की बात कर रहा है? समझा नहीं तू? नहीं समझा। तू मुझे बार बार क्या कहकर बुलाता है? भांजे। तू मेरा क्या हुआ? मामा। अरे तो वही करने के लिए तो कह रहा हूँ। तेरी ट्यूबलाइट बहुत देर में जलती है। छे 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 छे। ये ले 5 रुपए रख और जा। कम करके टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एडवांस है, बाकी का बाद में दे दूंगा। रात को 10:30 बजे एक अच्छे आइटम लेकर आ जाना, समझ गया ना? इस धंधे में अगर तू सेंसियर रहेगा ना तो एक हफ्ते में 4 लैपटॉप, 2 सेलफोन, 1 होंडा सिटी कार पूरे शहर को हिला के रख देगा। ऐसे क्या देख रहा है तू? इतना डिसेंट क्यों बना तू? बटन खोल और बाल भी बिखरा दे। अब ठीक है, एक मिनट, हाथ ऊपर कर। हाँ, इसे बगल में दबा। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, चल अब जा धंधे पे लग जा। हाँ, खुश रहे खुश रहे। अरे ये फाइल क्या करेगा तू? अब तुझे इसकी जरूरत क्या है? आज से आइटमों का फोटो रखा कर, चल जा यहाँ से। और सूट पान का डिब्बा भी रखना साथ में। क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? आजकल मन बड़ा दुखी रहता है। क्यों माँ? उनके घर का तो एक ही बेटा है, उसके भरोसे पर उसका खानदान जी रहा है। शादी की उम्र की 3 बहनें हैं, अब उसका क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन माँ? कल रात को 10 बजे जो सीरियल मैंने देखा, उसमें वो लड़का हाथ में जहर की बोतल लेके खड़ा हो जाता है और सीरियल खत्म हो जाती है, उसी के बारे में बता रही थी। अरे तुम भी ना, 30 हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं किया, सीरियल खत्म होता नहीं और तुम देखना नहीं छोड़ती। MTV UTV देखने वाली तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आएगा? ये पकड़। मेरी बेटी को तंग करता है। कॉलेज की बस छोड़ दी तो सिटी बस में जाएगी, फिर मैं उसे जी भर के देख सकूंगा। जा 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 जा, बस चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा। यस, चली गई। ओफो, अब सरकारी बस में धक्के खाकर जाना पड़ेगा। प्रेम, प्रेम, हेलो। वो तुम्हारी है? ओ सॉरी, चल अपन आगे चलते हैं, अगले स्टॉप में आर्ट कॉलेज की लड़कियां चढ़ेंगी, उन्हें देखकर टाइम पास करेंगे, चलो आगे चलें। Excuse me, टाइम क्या हुआ? 7:45। अरे शुक्रिया तो कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। That's good. Hmm.
ए, तू इतना क्यों सोच रहा है यार? टेंशन मत ले, काम मिल जाएगा। वो बात नहीं है, मैंने अपने दोस्त से 300 रुपए उधार मांगे थे और उसने मेरी इंसल्ट की। ए साहब, दान धर्म कीजिए साहब। क्या दान धर्म, जाओ यहाँ से, मेरा हाल भी तो तेरी तरह ही है। तो मेरे साथ चलकर भीख मांगो। चल भाग यहाँ से। एक मिनट रुक, मैं अभी आया। ए सोन। हाँ, अरे साहब, पैसा देने के लिए आए ना, दीजिए ना साहब। तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। हाँ साहब, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप मुझे खाना खिलाएंगे तो मैं सब कुछ करूंगी साहब। ये लो 10 रुपए। हाँ, अरे एक साबुन लो और सार्वजनिक बाथरूम में जाकर जल्दी से नहा कर आओ। मैं नहाऊंगी तो गंदी हो जाऊंगी सब, मैं सिर्फ मुंह धोकर। ठीक है मेरी माँ, जो करना जल्दी करके आ। हाँ साहब। भांजे तैयार है ना, मैं तेरे लिए रोड की रानी ला रहा हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आइटम बॉब कटिंग करके आएगी ऐसा गोपाल ने फोन पर बताया है, मतलब वो आइटम हाई फाई होगी। मुझे तैयार हो जाना चाहिए, खुशबू आती रहनी चाहिए। ऊपर जाकर लेफ्ट में जाना। लेफ्ट मतलब जो हाथ से धोते हैं वो साहब। हाँ साहब। लेकिन पैसा जो ऊपर है वही दे देगा। हाँ, 10 रुपए से 1 रुपया भी कम दिया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ। मैं उसके साथ इंग्लिश में कैसे बात करूँ? एक्सक्यूज मी हनी, व्हाट इज योर नेम डार्लिंग? भांजे तू गया काम से। अरे यार, आइटम के आने के वक्त ही लाइट चली गई, क्या करूँ? कोई बात नहीं है, ऐसे काम के लिए अंधेरा ही अच्छा होता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है आइटम आ गई है। आहा, क्या बॉब कट है। अंदर आ जाओ, नहीं कोई देख लेगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे इससे पहले सभी लोग मुझे बाहर से ही भेज देते थे, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे वापस बुलवाया है। इडियट्स, उन्हें असली खूबसूरती की पहचान नहीं होगी, लेकिन मैं खूबसूरती का पुजारी हूँ। मतलब आपको अंधेरे में मेरी खूबसूरती नजर आ रही है? चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तेरी बॉडी का शेप जो है कैटरीना कैफ, करीना कपूर की तरह है। आइटम बम लग रही हो एकदम। आजा आजा, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आ, जल्दी आजा आजा आजा। हे रानी, तू इतना जोर से क्यों हंस रही है? हा? अरे मैं कब हंसी? आपने मेरे कमर को हाथ लगाया और पल्लू में जो चिल्लर बांधे थे वो सब गिर गए। आओ मेरी जान, मेरी बाहों में आ जाओ, मजा करेंगे। अरे अरे साहब, आप क्यों रो रहे हैं? अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से 3-4 दिन पुरानी बिरयानी की बू आ रही है। अरे साहब, वो तो आते समय एक शादी में गई थी, वहाँ मैं वेज बिरयानी खाकर आई हूँ। अरे तो मेरे लिए भी लाना था। अरे साहब, मुझे 4-5 राउंड के बाद खत्म होते वक्त बड़ी मुश्किल से मिला। शादी में देर से पहुंची? हाँ हाँ। फिकर मत कर, सुबह होते ही मैं तुझे अच्छे से होटल में ले जाकर बढ़िया सी बिरयानी खिलाऊंगा। खाना मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। वेरी ह्यूमरस गर्ल। कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं साहब। अब तो आधा घंटा हो गया भांजे, तेरी जिंदगी का उजाला खत्म। लाइट चली गई थी, सॉरी, ये मेरी पहली सुहाग रात थी। अच्छा, ए, क्या हुआ रे तुझको? इंसानों के पंथरों की तरह क्यों खुजला रहा? ए ज्यादा मत बोल, इस तरह बदन खुजाने से खून का आवागमन अच्छा रहता है, ऐसा बाबा रामदेव रोज अपने प्रवचन में कहते हैं। इसमें भड़कने की क्या बात है? तू खुजा रहा था तभी तो उसने पूछा, कहीं तुझे कोई गुप्त रोग वगैरह तो नहीं हुआ ना? तू भी ना यार। ए भाई, बड़े भाई, चाचा, बाबा, ऐसी बात छोड़कर दूसरी बात नहीं कर सकता क्या? भिखारियों की तरह क्यों बात कर रहा है? ए, क्या हुआ है तुझे? सुबह से कुछ खोया खोया सा लग रहा है तू। मैं तुझे बताने वाला ही था, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है नहीं मुझे नहीं पता। जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा, वो तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। ए, हिम्मत नहीं तो प्यार क्यों करता है? प्यार करता ना तू उससे, तो जाके आई लव यू बोलना। हाँ मैं जाकर बोल दूंगा। हे सतीश, जल्दबाजी मत करे यार। मैं अगर नहीं कहूंगा तो इसी तरह तड़पता रहूंगा, मैं जाकर कह ही देता हूँ यार। सतीश, नहीं यार, प्यार में सब्र होना चाहिए। पहले वो लड़की तुझे चाहती है नहीं इस बात का पता लगा। हाँ चल, चलो रे। ए, हम पता कैसे लगाएंगे यार? कौन है वो लड़की? Thank you.
वो ग्रीन कलर चूड़ीदार वाली ना। कैसे पता चला? चल उधर चल के बैठते हैं। ए, वहां क्यों? चल ना। ए, कुछ भी बात करके कोई गड़बड़ मत करना। तो क्या हो गया, दुखी क्यों होता है? एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। सॉरी, जवान फिसल गई। डर मत बेटा, सिगरेट है। ए, वो बैठी हुई है, देख लेगी। मार। अरे मार ना यार, वो इधर ही बैठी हुई है, देख लेगी, समझता नहीं। मार बोला ना। मैं नहीं पी सकता यार। अबे पी ना। आपको समझ में नहीं आता क्या? वो नहीं पीना चाहता तो फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, आपको नहीं पता? आपको तो चप्पल से मारना चाहिए। सॉरी मिस्टेक। आप ऐसे बुरे लोगों से दोस्ती क्यों करते हैं? गिरीश कैसा है? वो अब तक क्यों जी रहा है ये मैं सोच रही हूँ। वो ठीक होगा ये मुझे नहीं लग रहा है। तुम खुद ही जाकर उसे देख लो। ये 5 रुपए रखो और कोई दूसरा गाना आता है तो वो गाओ। अरे यार, अच्छा गाना गा रही थी और अचानक उल्टी करने लगी। गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। आजकल के लोग तो भिखारियों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर शूट कर देना चाहिए। अरे बाप रे, किसी के बारे में इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है अशोक। पता नहीं वो बेचारी किसी मजबूरी की वजह से फंस गई होगी और वो इसकी फिगर की वजह से फंसा होगा। हो सकता है लाइट वगैरह भी चली गई हो। बिना सोचे समझे किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? पेट गड़बड़ है। अब मैं इधर से जाता हूँ। प्रेम, प्रेम। जिस दिन मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे मन में हूं, तब ये जो कविता मैं लिखने जा रहा हूँ वो तुम्हें दूंगा। मेरी कविता, मेरे दिल की धड़कन हो तुम। फूल भी तुम्हें देखकर तुमसे प्यार कर बैठेंगे। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो। तुम मेरी क्या हो ये तुम नहीं जानती। अशोक, अशोक कार को सर्विस के लिए दिया है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अपनी बाइक पर छोड़ दो। हाँ, अभी चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी। हाँ। इस कवर में क्या है? ओहो,
मैंने कहा था इसीलिए उस काम के लिए एप्लीकेशन लिख कर रखा होगा। गुड। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, इसे मैं ही पोस्ट कर देता हूं। पिताजी। हाँ, आ रहा हूँ बेटा। माई सन इज चेंज्ड अ लॉट। हाँ। ये प्यार ईश्वर है। जाति धर्म भेदभाव इन सारी पहचानों से दूर वो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। इसे आप जरा साइड में रखिए। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? हाँ इसको मैंने नहीं गिराया, किसका मुंह देख लिया है? आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ सब गड़बड़ा रहा है, लग रहा है आज भूकंप आने वाला है। आ, मैं उठा रहा हूँ। प्यार ईश्वर है, उसे जाति धर्म भेदभाव इन सब की पहचान नहीं है, वो तो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। बहुत ही अच्छा है। ये उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किया मैडम। कोई बात नहीं, इनको दे दीजिए आप। आज मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई, कल तुम मुझे भी पसंद करोगे। आइए। मेरी कविता। मेरे दिल की धड़कन हो तुम, फूल भी तुम्हें देखकर तुमसे प्यार कर बैठेंगे। तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरी बंदगी हो। तुम मेरी क्या हो ये तुम नहीं जानती। तुम मेरे दिल को दस्तक देती हो, मेरे कानों में सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंजती है। ये सारी की सारी दुनिया मुझे टाइटेनिक शिप जैसी लगती है जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। आपको क्या हो गया जी, इस उम्र में जवानी के दिन याद आ रहे हैं क्या? बालों में डाई लगाते लगाते 10 साल हो गए हैं। ये सब मैंने लिखा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? तुम्हारे बेटे ने अपनी प्रेमिका को बड़े प्यार से लिखा है। मैंने अपने काम के लिए एप्लीकेशन लिखने को कहा और एप्लीकेशन समझ कर इसे मैं अपने साथ ले गया। वो तो शुक्र है, मैनेजर मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे वापस दे दिया। ओफो, ये तो पहले दूसरों के प्यार के मामले सुलझाता था, अब खुद ही प्यार में पड़ गया है जी। अब आगे आपका बेटा क्या मुसीबत लाएगा भगवान जाने। मेरी तारीफ किए बिना आपका मन नहीं भरता ना। क्या ये अपॉइंटमेंट लेटर है? इतनी जल्दी आ गया? वैसे अपनी बात ही कुछ अलग है, मेरे बारे में सभी जानते हैं, सिर्फ आप नहीं जानते। मेरी कविता ये। इसी तरह तुम्हारा जन्मदिन, इसका जन्मदिन, हमारी शादी की सालगिरह, ऐसे खास दिन आने पर कभी कभार टेस्टी खाना मिल जाता है। मैं भी बहुत दिनों से यही कहना चाह रही थी डैडी, आज आपने कह ही दिया है। क्यों, तुम भी तो हो, तुम नहीं बना सकती क्या? तू भी ना जन्मदिन के अवसर पर ऐसी बातें करता है, सुना आपने? सब मंदिर गए थे ना, इसने मंदिर में जाने से मना कर दिया। क्यों बेटा? मैंने तो आज उससे भी अच्छा काम किया डैडी,
क्या? अपनी आंखें दान की। अपने जन्मदिन पर तुझे से पागलपन करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही सब लोग गलत सोचते हैं, इसीलिए इंसान को जो आंखें मिलनी चाहिए वो बेकार में मिट्टी में मिल जाती है। मेरी आंखें किसी इंसान को मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। हाय। हाय। ये क्या अशोक, आज तू इतना लेट क्यों आया? मैं आज एक अच्छा काम करके आया हूँ। हम सबके लिए फिल्म के टिकट लेकर आया क्या? उससे भी बड़ा काम किया है, अपनी आंखें दान करके आया हूँ मैं। तुम लोगों को भी करनी चाहिए। ऐसा क्या, पैसे वगैरह मिलेंगे क्या? मिले तो होंगे। ऐसी सोच रखने की वजह से ही इंसान को जो आंखें मिलनी चाहिए वो बेकार में मिट्टी में मिल जाती है। मेरी आंखें किसी इंसान को मिले, यही मेरी इच्छा है। देखा दोस्तों, देखा, आज हमारा दोस्त संत महात्मा की तरह बात कर रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड ने जो कहा है वही आकर हमें सुना रहा है। क्यों रे, वो जो कर रही है वो तू भी कर रहा है, वो जो कह रही है वो तू भी कह रहा है। अरे जब उससे प्यार करता है तो कहता क्यों नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम लोग क्या कह रहे हो? ए, तू जाकर उससे बात कर, ये समझाने के लिए हम तेरे से इतनी बात कर रहे हैं। ये मेरा लव मैटर है, इसमें तुम लोग बीच में मत पड़ो। हम क्यों ना बीच में पड़े? दूसरों के प्यार का मैटर सुलझाने के लिए हमें बराबर बुलाता है और अपने लव मैटर में हमें दूर रखना चाहता है। कल अगर तुझे कुछ हो गए, तेरे माँ बाप हमसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा? आज ये बात कहकर तूने हमें पराया बना दिया है। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो यार। अच्छा, हम लोग गलत समझ रहे हैं ना, तो ठीक है ऐसा ही समझ ले। लेकिन तू उस लड़की को अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहा है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं बता सकता। बताना, क्यों नहीं हो सकता? नहीं बता सकता यार। ए, आज तू अपने बारे में उसको बताएगा? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? नहीं बता सकता मतलब नहीं बता सकता। ए, 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 दुनिया भर के लोगों की मदद तू करता है ना, तो अपनी बात बताने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसे बताना, बताएगा तो क्या हो जाएगा? बताऊंगा तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। तुम लोग वजह जानना चाहते हो, यही ना? चलो मेरे साथ। ये मेरा फ्रेंड गिरीश है, जैसे तुम लोग मेरे दोस्त हो वैसे ही एक जमाने में ये भी था, लेकिन मैं कौन हूं अभी ये नहीं जानता। इसकी ऐसी हालत कैसे हुई पता है? पता है? इस लड़की से प्यार करता हूं। अच्छी लड़की है, है ना? ए, ये बात करण और कुमार को मत बताना, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है ठीक है, अब वक्त बर्बाद मत कर, जाकर उससे बता दे कि तू उसे प्यार करता है। डरेगा तो कैसे चलेगा यार? ठीक है छोड़, मैं तेरे लिए उससे बात करता हूं। ए अशोक, अशोक रुक ना। अशोक नहीं यार। अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू डर मत, नहीं, कुछ नहीं होगा यार। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू रुक तो। मान जा, रहने दे, रहने दे अशोक। अरे रुक ना, ट्रेन चली जाएगी। नहीं मेरी बात मान जा यार, तू भी क्या बात कर। रहने दे अशोक, प्लीज रुक ना, मेरी बात सुनना। अरे यार गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज अशोक मेरी बात सुन ले। बात बिगड़ जाएगी अशोक, मेरी बात मान ले। मुझे बहुत डर लग रहा है अशोक। पागल है तू, अच्छा मौका मिला था छोड़ दिया तूने। कुछ नहीं होगा तेरा, इसी तरह तड़पता रहेगा, समझा तू? ए
नाराज मत हो अशोक, उसके पीछे घूमता रहता है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तू उससे प्यार करता है ये बात ना खुद बताता है ना तो मुझे बताने देता है। जब बोलता हूँ उसे छोड़ दे तो कहता है मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो इतना डरता क्यों है यार? अशोक, दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? उससे शादी करेगा ना? हाँ करूंगा। तो उसके घर वालों से उसका हाथ मांग ले। उसके घर में जाएंगे? देख अगर हिम्मत नहीं है ना तो उसे भूल जा। मैं बात करूंगा यार, चल चल। नमस्ते। ए ऐश्वर्या, लिख कर बता। लिख लिया? ये मेरा दोस्त गिरीश है, कंप्यूटर इंजीनियर है, महीने में 17,000 रुपये कमाता है। इसके पिताजी एक स्कूल में हेडमास्टर हैं, इसकी माताजी हाउसवाइफ हैं। बहुत ही इज्जतदार खानदान है। एक ही लड़का है। अचानक आकर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ ये सोचकर आपको ताज्जुब हो रहा होगा ना। आयशा और गिरीश एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बिना आयशा नहीं और आयशा के बिना ये नहीं, इसलिए ये चाहता है कि आयशा और इसकी शादी हो जाए। क्यों आयशा, मैंने जो कहा वो सब ठीक है ना? हो गया हा? ए, मैंने आज तक आयशा से कभी बात तक नहीं की और तूने क्या कुछ नहीं कह दिया। अगर दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते ही कहूंगा तो बात नहीं बनेगी, तुझ पर मैं देख लूंगा। ए, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अब तो डरना बंद कर, कल तू अपने माँ बाप के साथ आकर रिश्ते की बात करने वाला है ना। लगता है सब लोग सोचना चाहते होंगे। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप लोग फैसला कर लीजिएगा। जाता हूँ, बोलना। चलता हूँ आयशा। या अल्लाह, सर उठाकर जीने वाले हमारे खानदान की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। अब तो पूरा गांव हम पर हंसेगा। हमने तुम्हें बाहर काम पर क्या भेजा, तुमने तो हमारा मुंह ही काला कर दिया। मम्मी कौन है मैं नहीं जानती। अल्लाह, तुझे इस तरह झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच में नहीं जानती वो कौन है। क्या कह रही है तू? अगर उसे नहीं पहचानती तो इतनी हिम्मत करके उन्होंने घर में आकर रिश्ते की बात कैसे की? नाटक करती है, बाहर देख लोग देखकर हंस रहे हैं। अब देखना तेरे भैया आते होंगे। देखा तुम लोगों ने, भोली दिखती है और क्या खिला रही है। हाँ सलमा, ये घर से निकलती थी जैसे बहुत शरीफ हो, अब सब कुछ पता चला कि कितनी शरीफ है ये लड़की। हाँ अरे उसे बोलकर क्या फायदा, माँ बाप को समझना चाहिए। अब सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं अब्बा, मैं सचमुच उसको नहीं जानती। आप मेरे बारे में जानते हो अब्बा, मैं गलत नहीं हूँ अब्बा। कुछ तो कहिए अब्बा, कुछ तो कहिए, मेरा यकीन कीजिए अब्बा। लड़की को सर झुका कर क्यों जाना चाहिए पता है? ताकि उसका खानदान हमेशा सर उठाकर जी सके। लेकिन तूने हमें तो शर्मसार कर दिया। मेरी बेटी।
गलती कर दी यार, हमने गलती कर दी। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं ये जाने बगैर हमने जल्दबाजी कर दी यार। अगर वो जिंदा होती और मुझसे प्यार नहीं करती तो वो भी चलता यार। उसे देख कर किसी तरह जिंदगी बिताता, वो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं यार, वो अपने आप नहीं मरी, मैंने उसे मार दिया। वो तुमसे प्यार करती है या नहीं करती है जाने बिना मैंने जल्दबाजी में आकर, गिरीश मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। उसके बिना मैं भी नहीं जी सकता। ए गिरीश, गिरीश, ए गिरीश, रुक जा, गिरीश, गिरीश रुक जा, नहीं गिरीश, गिरीश रुक जा, गिरीश क्या कर रहा है, गिरीश, 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 नहीं छोड़ दे मुझे, नहीं गिरीश रुक जा, मुझे, नहीं गिरीश रुक जा, मर जाने दे, रुक जा, गिरीश नहीं जाओ, मुझे छोड़ दे, गिरीश मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मर जाने दे मुझे, गिरीश मर जाने दे, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उस लड़की के दिल की बात जाने बिना मैंने जल्दबाजी की, इसलिए उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। दोस्त वो होता जो दोस्त का भला करे, लेकिन मैंने अपने दोस्त की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज उसकी जो भी हालत है उसकी वजह मैं हूं। जिन लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया उनका ही घर उजड़ गया। दोबारा ऐसी गलती मेरी जिंदगी में ही नहीं बल्कि किसी की भी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की हमें देखती है, मुस्कुराती है या हमसे बात भी करती है तो वो प्यार है, इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। उसके दिल में हमारे लिए प्यार है या नहीं यह जानने तक हमें सब्र करना चाहिए। मुझसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए चाहे किसी का भी प्यार हो, अगर वो सच्चा है तो उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। सभी दर्शकों को वैलेंटाइन डे मुबारक हो। इस प्यार भरे दिन में आइए जानते हैं कि लोगों का प्यार के बारे में क्या ख्याल है। सर, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मैडम जी, आप पगलाए गई हैं क्या? सबेर समार बोनी नहीं भाई है, इतना मोरा लेके प्यार करने चली आई है, चलें आप जाएं यहाँ से। प्यार करिए। प्यार के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा, प्यार क्या होता है? प्यार प्रेम, प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? मैं क्या, प्यार के बारे में लड़कों से पूछना बेकार है, आप लड़कियों से पूछिए। हाय अल्लाह, हेलो हेलो, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है?
प्यार ईश्वर है, उसे जाति धर्म भेदभाव इन सब की पहचान नहीं है, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। लव इज ऑलवेज सो ग्रेट। हाय 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 हाय। ब्रीफकेस साथ लाया है, लगता है इसका कंपनी में आज प्रमोशन हो गया है। ब्रीफकेस खोल रहा है, लगता है कोई फॉरेन का प्रोडक्ट होगा। जल्दी से खोल। इसे क्या हुआ? क्यों रे, ईंट लेके क्यों घूम रहा है? खुजली तेरी गई नहीं? जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, नहीं तो सारा जीवन ऐसे खुजाता ही रहेगा। यूरिन लगाने से खुजली जाती है ऐसा कहते हैं। कहाँ मिलेगा? कुछ दे दीजिए भगवान के नाम क्या? पे। उस दिन इस गाने के मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और आज भी वही गाना गा रही हो? अरे अरे साहब, मैं आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा भाई शर्ट के बिना घूमता है, अगर आप अपना एक अच्छा शर्ट उसे दोगे ना सर, तो बहुत। क्या बोल रही है? आज फिर शर्ट के लिए पैसे मांग रही है? उस दिन गाना गा करके पैसे ले गई थी, अब पैसे नहीं मिलेंगे? स्टॉप, ये लोग तो नहीं दे रहे हैं, तुम भी नहीं दोगे क्या? नहीं दोगे क्या जी? दीदी ये शर्ट मुझे फिट होगा ना? अरे नहीं हुआ तो सिलाकर ठीक कर लेंगे, किसी की नजर ना लग जाए। जल्दी से कुछ पहन लीजिए ना जी। छी, मुझे नंगा करके चली गई रे। ए, ये क्या, भिखारी ने शर्ट मांगा और तूने उतार कर दे भी दिया? हाँ अशोक, वो गरीब थी, देने के लिए सोचा था और दे दिया। वैसे मैं देने से पहले कभी सोचता नहीं हूँ और देने के बाद कभी बात नहीं करता हूँ। दैट्स माय पॉलिसी, कमानी टेक और सीट सर। हाय भूपति। हाय राजा। आओ, मीट माय फ्रेंड बालू, चंदू, हाय सतीश, हाय और प्रिया। हाय। और ये जिससे तू मिलने आया अशोक है। हाय। हेलो। ए, तू बिना शर्ट के क्यों खड़ा है? ये सलमान खान का फैशन है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, पहले तेरे काम के बारे में बात करते हैं। अशोक, जिस तरह तू मेरा दोस्त है उसी तरह ये भी मेरा दोस्त है, इसे तुझसे कुछ मदद चाहिए थी, करेगा? क्या बात है? तेरे पास आया तो क्या बात हो सकती है, लव मैटर है। तू इसकी मदद करना प्लीज। ये उधर क्यों ले जा रहा है? बोलो। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, नाम माही है। जिस दिन से मैंने उसे देखा है पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। मेरे प्यार के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे मैंने अब तक कुछ भी नहीं बताया। माही सेकंड ईयर में है और मैं फाइनल ईयर में। कॉलेज खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो जो लड़की अब तक सिर्फ मेरे सपनों में है वो मेरी जिंदगी में। अब वो लड़की कहाँ होगी? कौन है? पीछे जो लड़कियों के साथ अकेली खड़ी है ना, वही माही है। तुरंत देखना ठीक नहीं होगा, वो कुछ गलत समझ लेगी। ठीक है, फिर तुम उस तरफ घूमो। मेरी वाली होती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे भाई इतना मत खुजलाइए, आवाज सुनकर बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर दास? अरे बार बार तुम इसे क्यों देख रहे हो? आपका नाम क्या है? वही देख रहा था डॉक्टर। मेरा नाम दास है, इस नाम की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों डॉक्टर? कोई एक पागल रोज रात को फोन करके आपका नाम दास है या आप पेशे से दास है करके पूछता है। अगर वो मुझे कहीं मिल गया तो उसे मैं मेरी रिपोर्ट डॉक्टर। रिपोर्ट चाहिए? तुमने कभी भिखारी की थाली देखी है क्या?
भिखारन की वजह से ही तो मेरा ये हाल हुआ डॉक्टर साहब। उसकी थाली में जिस तरह दाल चावल रोटी सब मिक्स हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे ब्लड में सब कुछ मिक्स हो गया। तो क्या ये खुजली कभी नहीं जाएगी डॉक्टर? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पैंट उतार कर उल्टा सोना पड़ेगा क्या? उसकी जरूरत नहीं है, मैं हाथ पर लगा दूंगा। अरे अरे क्या डॉक्टर, टीवी में तो आपके साथ एक लड़की होती है, वो नहीं आएगी क्या? वो सिर्फ टीवी में आती है, तुम बहुत बकबक करते हो। बाप रे। अच्छा डॉक्टर, अब तो ये खुजली बंद हो जाएगी ना? अब और ज्यादा होगी। आप ये क्या कह रहे हैं? खुजली डेवलप होगी तभी तो ठीक से पता चलेगा। एक हफ्ते बाद फिर मुझसे आकर मिलना। ठीक है डॉक्टर, पता नहीं इस खुजली से मेरा पीछा कब छूटेगा। क्या मुसीबत। हेलो, अबे बेवकूफ, फिर फोन किया? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज के बाद मेरा नाम दास नहीं है, मैं नाम ही बदल दूंगा। डॉक्टर, आपका बोर्ड बाहर गिरा था। ये तो वही आवाज़। अरे मुझे पहचान लिया। वो तुझे हर रोज फॉलो करता है, पता है? पता है। वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने टीवी पर कविता सुनाई थी ना? बिल्कुल, जानती हो उस कविता वाली ग्रीटिंग कार्ड को उसी ने सिलेक्ट किया था, तब से मैं उसे जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्यार करते हो ना, तो फिर प्यार का इजहार करने में प्रॉब्लम क्या है? I love you. क्या हो गया तुझे, ये क्या कर रहा है? प्रेम। आइए आशिक साहब, इतनी देर क्यों लगाई? प्यार में पंचुअलिटी बहुत जरूरी होती है सर। सॉरी, माही को आने में देर हो गई, उसे देख भी नहीं पाया इसलिए। ओह, तो उसे देखने के बाद ही दूसरा काम करते हो क्या? हाँ, उसे देखे बिना मैं रह नहीं पाता ना, पता है। अच्छा, तुम उसे अट्रैक्ट करने के लिए हर रोज क्या क्या करते हो? उसके कॉलेज आने तक मैं कॉलेज के गेट पे ही रहता हूँ। जब वो कैंटीन में जाती है तो उसके सामने वाली टेबल पे बैठ के मैं कॉफी पीता हूँ, और जब वो क्लास में जाती है मैं और मेरे दोस्त पीछे बैठ कर बातें करते हैं, और जब वो बस में जाती है तो मैं भी बस में चला जाता हूँ। मतलब सारी आदतें मेरी तरह ही है इसकी। हाँ, मतलब तनख्वाह लिए बिना तो उसके बॉडी को गार्ड करता है। ठीक है ठीक है, तो उसे कैसे देखता है? मैं ऐसे देखता हूं। बस बस बस, तुझे ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। देख राजा, लड़की को कभी डायरेक्ट घूर कर नहीं देखना चाहिए, किसी बहाने से देखना चाहिए। पहले वो तुझे चाहती है नहीं ये जान लो। तू एक काम कर, पहली बार नहीं देखा तो फिक्र मत कर, दूसरी बार फिर देख। हाँ
अरे घबरा मत, देखते रहना चाहिए। प्यार में सब्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, वो तुझे चाहने लगी है ये बात कंफर्म करने के लिए तू क्या कर पता है, चुपचाप कहीं पीछे जा करके छुप जा। चला गया ये सोचकर, वो यहाँ वहाँ देखने लगी कुछ देर के लिए, परेशान हो गई पता है। ओ, ये सब हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, इतने में ही बात पक्की हो गई ये मत समझ लेना, कभी भी कुछ भी उल्टा हो सकता है, लड़कियों के बारे में तू नहीं जानता राजा। ठीक है चल, मेरे पास और भी कई आइडियाज हैं। प्रीति कह रही थी उसका बर्थडे है 11 सितंबर को ना, जाना ही होगा। शीला क्लास जा रही है, ताज्जुब हो रहा है। लंच के बाद ना क्लास बंक करेंगे, ठीक है? अरे लेकिन क्लास बंक करके करेंगे क्या? 12B की बस पकड़कर मंदिर जाएंगे और क्या। क्या हुआ? क्या हुआ इसे, कुछ बोलती ही नहीं है। ड्रीमिंग। तुम लोग जाओ, मैं जरा मैडम से बात करके आती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं मैडम, बस यूं ही। आपके हस्बैंड कैसे हैं? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। सॉरी मैम, ये लेटर कैसे उठाऊं? अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपके बच्चे कैसे हैं? इसे क्या हो गया है? सच में वो लड़की तुझसे प्यार करती है, मैं हूं ना, तो चल। जाकर बिंदास बोल दे। वो मान जाएगी ना? वो जरूर मान जाएगी। अगर अगर नहीं मानी तो? वो मानेगी, मैं हूं ना, तो जा जा। ये सुजाता, रुकना। अरे वाह 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 वाह, मेरी वाली बिल्कुल मेरी तरह ही है। I love you. Yes! Mamla jam gaya! ये खुजली कहीं भी आ जाती है भाई, लगता है ये मेरी जान लेकर रहेगी, ड्राइविंग भी नहीं करनी देती है। हे भगवान! खुद को क्या समझते हो, गाड़ी चलाते हुए ऐसे डांस क्यों कर रहे हो, सीधी तरह से नहीं चला सकते? अरे मैं डांस नहीं कर रहा हूँ बहन जी, मेरी मजबूरी है, एक भिखारन का दिया हुआ तोहफा है, दो मिनट बुझाना चाहिए ना।
ये ऐसे थूक कर क्यों गई भाई? लगता है इसे टीबी की बीमारी है। ऐसे खुजाना मुश्किल है, भैंस के स्टाइल में खुजाना ही बेहतर होगा। वहाँ चलते हैं। ए भगवान, इधर खुजाऊंगा तो इसके फैन बॉल मचाएंगे यार। राक्षस के पास खुजाना ही बेहतर है, उसके नाखून भी है। यहाँ क्यों आई हो? अरे गाय भैंस की तरह दीवार पर पीठ क्यों खुजा रहे हो? मुझे कह देते तो मैं अच्छी तरह खुजाती। हाँ हाँ मुझे पता है, अब निकल जाओ यहाँ से। अरे हाँ चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक जाने से पहले बात कहना चाहती हूँ। मैं ना पहले की तरह चल फिर कर भीख नहीं मांग सकती बाबा। हाँ तो फिर एक गाड़ी ले लो ना। अरे उसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी दे देंगे तो चार बड़ी बड़ी दुकानें, दो चार मंदिर में भीख मांग कर हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा लेंगे। बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तुम्हारी, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या? और नहीं तो क्या, आपने अपनी टी शर्ट मुझे दी, दीदी के लिए गाड़ी नहीं दे सकते क्या? इतना चिल्ला कर क्यों बात कर रहा है? सब सुन लेंगे ना। उस दिन तेरे को शर्ट दिया था, तूने पहना क्या? उसे ऐसे बगल में क्या पकड़ के रखा है? टी शर्ट पहनने से खुजली होती है। टी शर्ट पहनने से खुजली होती है, लेकिन जब से लाइट गई है मुझे। अरे अरे अरे, अपने साले को क्यों मार रहे हैं आप? मेरा साला? काहे का साला? क्यों आप इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन जो भी कुछ हुआ मैं सबको बता दूं। अरे मेरी माँ इस तरह ब्लैकमेल करके क्यों मेरा खिला रहा है? अरे साला सामने खड़ा है, उसके सामने शुरू हो जाए। अरे भगवान, जो लेना है ले ले, लेकिन पीछा छोड़ दे भाई। दीदी गाड़ी चाहिए। अरे चल 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 गाड़ी मिल गई, चल 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 चल। ए सजना सवरना बंद कर, उधर देख। कोई स्मोक नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? ये सब अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती, आपने जानते क्या? हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम रोने क्यों लगी? सॉरी। इसलिए नहीं, रोज काम पर से आते जाते समय एक आदमी मुझसे बदतमीजी करता है, प्यार करता हो कहकर लव लेटर देता है। तुमने उसे कहा नहीं कि तुम सती से प्यार करती हो? कहा तो क्या हुआ, मुझसे प्यार करता है कहता है। पब्लिक प्लेस में उसके दोस्त मिलकर मुझे बहुत परेशान करते हैं, काम पर जाने में भी मुझे बहुत डर लगता है। कहाँ मिलेंगे वो? जिसने ब्लू टी शर्ट पहना है ना, वही है। क्या इससे पटवाने लाई है? नहीं दोस्त, ये पहले से ही मेरे दोस्त से प्यार करती है। मैं भी तो प्यार करता हूँ, देख क्या रहा है। हाँ तुम जरा पीछे हटना, थोड़ा पीछे हटना प्लीज। घूर क्या रहा है? हाँ घूर क्या रहा है? Oh!
अशोक अशोक छोड़ दे, छोड़ मुझे। ए राजा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? Help me, hey God, इस गाड़ी को मैंने कहीं देखा है? मैडम आप, ए भगवान, बिजली या ये गाड़ी मुझसे छीन कर ले गई। अरे पापन, प्लेन की तरह मेंटेन करके रखा था इसे, और तूने इसका हलिया बिगाड़ कर इसका खटारा बना कुछ दिया है। इस गाड़ी की वजह से हम वक्त पर पहुंचकर अच्छी अच्छी जगहों में भीख मांगकर अब अपने बिजनेस को बढ़ाकर हमने बहुत तरक्की कर ली है। तरक्की करने के बाद भी गंध मार रही हो। चुप रहिए ना, आजकल मैं ब्रांडेड नाइटीज और ब्रांडेड साड़ियां ही पहनती हूँ। मुझे टी शर्ट पहनने से खुजली नहीं होती है। छी छी, तो खुजली याद मत दिला। ओह बाय द वे, मैं अब की बार तुम्हें मिलने किस लिए आई हूँ पता है? मेरी ब्यूटी को देखकर एक पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला किया है। चली गई होगी। क्यों याद दिला? अरे उस रात मैं चुप होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे उन्होंने काउंसलर के पद के लिए चुना है। उसके लिए मुझे आपसे मदद चाहिए। करेंगे? अरे ये शर्ट लेना है तो ले ले। अरे नहीं बाबा, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मेरे पास वड़ा पाव खाने के लिए पैसे नहीं है। 1,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मेरी माँ? अपना काम छोड़ दो और बीएफ के पैसे मुझे दे दो। बीएफ का मतलब ब्लू फिल्म होता है, उसको पिया बोलते हैं। ठीक से बोलना। कुछ भी कहो लेकिन पैसे दो। अच्छा पैसे चाहिए तुझे? नहीं दूंगा, जा। ए राजा, तुम पैसे दोगे कि नहीं? ए इस तरह तो उंगली किसको दिखा रही है? नहीं दूंगा, जा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, दूंगा दूंगा दूंगा। कुछ भी हो, लड़कियों से मिलजुल कर रहने के बाद भी हम जिससे प्यार करते हैं उससे बात करने में डर लगता है। तू बेकार में डर रहा है, 2-4 जोक सुना दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हंसने जैसी बात नहीं होगी तो भी हम हंस पड़ेंगे। बाद में तो कुछ भी बकेगा सब अच्छा लगेगा। अशोक ऐसा कोई जोक तू ही बता देना। अरे यार तू हर चीज मुझसे क्यों पूछता है यार? हाँ, लोगों को सर्दी क्यों होती है पता है? क्यों? क्योंकि नाक के ऊपर 2 आइस होते हैं। अब इसे तू बोल कर दे। शांत लगते हो लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक्स अ लॉट अशोक, जोक तो मामूली बात है, मैं तो शायरी भी लिखता हूँ पता है। अच्छा? अरे वाह, मुझे शायरी बहुत पसंद है। प्लीज 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 सुनाओ ना प्लीज। इतना फेंकने की क्या जरूरत थी यार? अशोक अशोक, तू है इसलिए हिम्मत से कह दिया, अगर नहीं कहा तो वो बुरा मान जाएगी। मैं अपनी वाली को याद करके कुछ कह देता हूँ। तो अपनी वाली को याद करके मेरी वाली के लिए कुछ लिख देना प्लीज। तो क्या मैं तेरी वाली को याद करके शायरी लिखूंगा? अशोक अशोक। हाथ मिलाओ। क्यों मिला? क्यों? अरे पहले मिला तो सही। अरे बात क्या है? तुम्हारा लिखा हुआ हर एक शब्द मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आया। अगर मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो? हे, तू प्यार में अंधा हो गया है। तेरी गर्लफ्रेंड अलग है और मेरी अलग है, समझा? ऐसा है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड कौन है मुझे नहीं बताएगा? हे, चुप बैठ यार, मैं खुद उसे काफी दिन से नहीं मिला हूँ यार। हे, मुझसे छुपा रहा है ना? अरे नहीं यार, बहुत दिनों से मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। राजा की गर्लफ्रेंड इधर वेट कर रही है तो राजा कहाँ है? मेरी तो इससे कोई पहचान भी नहीं है। वैसे मैं भी अपनी वाली को देखने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, वहीं राजा से भी मिल लूंगा। ठीक है जल्दी आ जाना, नहीं तो फिल्म की टिकट नहीं मिलेगी। ओके। हाय अशोक, तेरी गर्लफ्रेंड उधर है और तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? वो तो अभी यहाँ से कॉलेज गई है। ए, अभी तो मैंने उसे उधर देखा है। हो सकता है तेरे देखने के बाद वो ऑटो से आ गई हो। कितनी जल्दी आ सकती है वो? ठीक है तू यहीं पर वेट कर, वो अभी वापस आएगी। देखा सर, ये बस स्टैंड कॉलेज के बहुत ही करीब है सर, यहीं पर इसका अड्डा है। इसकी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले की लड़की को ही भगा कर ले गया। उसे खींच कर यहाँ लाओ। तू भी मेरी मदद करना चाहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार।
नमस्ते अशोक। हाँ नमस्ते, आप यहाँ कैसे? आपसे ही मिलने आया था। क्या मुझसे मिलने और यहाँ? बात क्या है? तुम्हारे पास क्यों आऊंगा मैं, वही लव का मैटर है। बात थाने तक पहुँच गई। लड़की का झगड़ा है या लड़के का? लड़की का। तुम थाने में आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत जरूरी काम है। ए अशोक, दो मिनट के लिए आकर फिर चले जाना। ए पागलों की तरह बात मत करो, मुझे उससे भी जरूरी काम है। अरे वो इंस्पेक्टर भी यहाँ आया है। आया तो? अरे अशोक भाई, तुम ही समझाओ ना इन्हें। जाओ अशोक, लव का मैटर है। मुझे ही सिखा रहा है। चल भाई तू मेरी बाइक लेकर जा। किसे बाई कर रहे थे? ये अशोक है ना, इंस्पेक्टर, पुलिस वाले सभी उसे इतनी इज्जत के साथ लेकर गए हैं, पता है? कुछ लव का मैटर है। ओफ, अशोक से मिलना था, बहुत जरूरी बात करनी थी। अशोक, कभी इसको कभी उसको, और आखिर में पुलिस वाले की ही लड़की। सर ऐसी क्या बात है जो अब यहाँ लेकर आ गए? नहीं जानता क्या उनकी बेटी, उसकी शादी कब कहाँ और किसके साथ करवाई? ओए ये सब क्या है? है सर, सच में मैं नहीं जानता कि इनकी लड़की कौन है। इस एरिया की लड़की लापता हो जाए, तुझे नहीं पता ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है कि प्यार के ही मैटर में भागे, कोई और बात होगी। सर एक मिनट, मैं उसके माँ बाप से बात करता हूँ। आपकी बेटी अपने आप से बात करके हंसती है क्या? नहीं। बार बार घर में ब्लैंक कॉल्स आते थे क्या? नहीं। बार बार स्पेशल क्लास का बहाना करके बाहर जाती थी क्या? देखा सर, वो तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसे हम पूछताछ करने के लिए लाए और वो खुद पूछताछ करने लगा। हम दोनों को तो वो बेवकूफ साबित कर रहा। शाम को जब कॉलेज से घर आती थी तब चप्पल में बीज की रेत वगैरह होती थी क्या? नहीं तो। सुबह जो बालों में लगाकर जाती थी ना गजरा, वो शाम को आने के बाद मुरझाया होता था क्या? ए अशोक रुक रुक, किसको देखकर क्या सवाल कर रहा है? कैसे हो सकता है सुबह का पहना हुआ फूल शाम तक कैसे नहीं मुरझाएगा? ये देख रहा है, थोड़ी देर पहले पहना था। ए मुन्नी भाई, सुबह ये लोग फूल लगाकर भेजते हैं और शाम को वो लगाकर भेजता होगा ना, इतना भी नहीं समझती पागल। ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन से कहता हूँ आपकी लड़की किसी के साथ नहीं भागी। एकदम सही। हेलो, आपकी बेटी को मैथ्स में मार्क्स कम मिले हैं, इसलिए आपसे डरकर वो अपने दोस्त के यहाँ रुकी है। वही तो मैं कह रहा था कि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। आओ चलते हैं। अच्छा भूपति कहाँ है? ए, तू अंदर क्या कर रहा था? पेपर पढ़ रहा था। ठीक है चल चल। ए इंस्पेक्टर से चड्डी लेकर दे यार। वो अपनी चड्डी नहीं देंगे। अरे उनकी चड्डी नहीं, मैं अपनी मांग रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? और क्या, तुम्हारे भरोसे रहकर मैंने उनसे बहुत सवाल जवाब किया और उसने हम लोगों को खूब मारा पीटा। इन लोगों के तो सिर्फ पैंट शर्ट उतारी लेकिन मेरी तो चड्डी भी उतरवा ली। ठीक है चलना। किसी के पास एक्स्ट्रा चड्डी है क्या? चड्डी नहीं पहनते। आ जा मेरे दामाद, अगर मुझे एक लड़की होती ना तो मैं उसकी शादी तेरे से करवा देती। हाँ छोड़ ना। काश एक लड़की होती। काउंसलर जिंदाबाद, 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 काउंसलर जिंदाबाद। शुक्रिया, मुझे आपका काउंसलर चुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम अभी तक आप एक साधारण औरत थी,
अचानक काउंसलर बन गई, जनता के लिए आप क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन जाने से पहले सबसे पहले AIP मिनिस्टर से मिलकर इस देश में जनसंख्या कम करने की बात करूंगी। समस्या को सुलझाने के लिए मेरा मतलब है देश का पॉपुलेशन जल्द से जल्द कम करने की मांग करूंगी। उसके लिए शहर में बेकार घूम रहे सभी लड़कों को पकड़कर हम एक एक की नसबंदी करवाएंगे। सर, हम नसबंदी करने के लिए बेकार आदमी ढूंढ रहे हैं ना, वो देखिए एक आ रहा है, चलो। अब तो अपने दोस्तों के साथ ही रहना बेहतर होगा। 500 रुपए में 50 किलो चावल दूंगा, आओगे? आजकल के इस जमाने में 500 रुपए में 50 किलो चावल कौन देता है? सुनकर बड़ी खुशी हुई। साथ में गाड़ी लेकर आए हो, जरूर आऊंगा। अब मैं क्या बताऊँ, इतने बड़े एहसान के लिए मेरी आने वाली पीढ़ी शुक्रिया अदा करेगी। आगे आपकी पीढ़ी होगी तो ना। यार क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी नसबंदी करने के लिए हम आए हैं। मेरी नसबंदी करोगे तुम लोग? मुझे तो एक बच्चा भी नहीं है और मेरी नसबंदी करोगे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है सर, मैं आपके साथ जाकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी रानी, मेरी रानी, दौड़ी आ तू मेरे लिए। मैं कभी पुरानी यादें भूलती नहीं, मैं आज भी तेरी वही भिकारन हूँ। कॉल मी बिजली, बिजली राजा, बिजली राजा, प्यारी बिजली, प्यारी बिजली, तेरे पास कितना चिल्लर है, दे दे मुझे बिजली। प्रिया, वो जो लड़का जा रहा है वो बहुत दूर से तुम्हें लाइन दे रहा है ना? हाँ। तो अब दूसरे के साथ क्यों जा रहा है? अगर जल्दी हाँ कहूंगी तो मुझे चीप समझेगा, सोचकर थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए उसने किसी और को पटा लिया। आजकल लड़के बहुत फास्ट हो गए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, माही और मेरे बीच थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या? कल हम फिल्म देखने गए। कल फिल्म देखने गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कंधे पर हाथ रख दिया तो नाराज हो गई। अरे कोई ऐसा पसंद करता है, कोई नहीं करता है, छोड़ ना, फोन लगा के बात कर ले। नहीं अशोक, वही तो गुस्से से गई, वही फोन करेगी। इसमें ईगो दिखाने का क्या मतलब है? झगड़े के बाद प्यार होगा चलेगा, लेकिन प्यार के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्यार में दरार पड़ जाती है। नंबर क्या है? 8284237। हेलो। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक, मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलूं। ठीक हो ना? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन ये यहाँ रो रहा है। अच्छा, उसे छोड़ो, तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है बीच में। ठीक है, वो कौन है बताओ तो सही, मैं हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है, शायद तुम कोशिश करो तो मान जाए वो, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाना ही होगा। नहीं मिला सकता। ऐसा करो, तुम कल 8 बजे तक मेरे कॉलेज में चले आना। मैंने तुम्हें देखा नहीं है ना, इसलिए तुम खुद कॉलेज चले आना और मुझे बताना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा से मिलने आया हूँ। राजा कैंटीन में है। ओके। हेलो, कैंटीन इस तरफ है। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है ये, यहाँ लफड़ा नहीं करना इसलिए चुप हूँ। एक ना एक दिन तू भी जरूर फंसेगा, फिर तुझे दिखाऊंगा मैं। राजा, इतनी छोटी सी बात पर क्यों नाराज हो गए? झगड़ा हुए 1 हफ्ता हो गया, अब जाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? लगे रहो, लगे रहो। हाय। हाय सुजाता। देखो कैसे हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्यार ईश्वर है, उसे जाति धर्म भेदभाव इन सब की पहचान नहीं है, वो तो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। मैं तुम्हें कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किया उसकी कविता भी आपको पसंद आई। मैं आपसे परचेजिंग हो गई? कहाँ, अभी बाकी है। भगवान, जरा सी देर होती तो तेरी कहानी खत्म हो जाती। इतनी बड़ी ट्रेन तुझे दिखाई नहीं दे रही थी क्या? खुद को लावारिस समझता क्या तू? तेरा बाप है, तेरी माँ है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं तेरे। दूसरों को मिलाने के लिए जान की बाजी लगाता है और खुद प्यार करने से डरता है, ऐसा नहीं होता। ए, तेरा दोस्त पागल हो गया, ये जानकर हमें बहुत अफसोस हुआ।
और तू तो अपना दोस्त है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम लोग नहीं जी पाते मेरे दोस्त। इसलिए तेरे मन में जो बात है वो उस लड़की को बता दे, कब से कह रहे हैं, कभी सुना तुमने? फ्रेंड का मतलब घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती करना नहीं होता है, उससे भी बढ़कर होता है। अशोक, किसी के साथ अगर कुछ भी होता है तो इसका ये मतलब नहीं वैसा तेरे साथ भी होगा, ये सोचना गलत है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी एक वजह होती है। ए, चुप रहो, वो किसके साथ गई है तुमको मालूम है क्या? एक लड़की किसी लड़के के साथ जाए उसका मतलब से प्यार होता है क्या? वो उसका बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। अशोक, ये सारी समस्या तकलीफ की वजह है। तेरा उस लड़की से प्यार का इजहार ना करना, इसके बाद टाइम वेस्ट मत करना। बोलूंगा तो मर जाएगी, बोलूंगा तो मर जाएगी। अरे नहीं बोलेगा तो तू मर जाएगा। अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तब वो मेरे साथ होगी। माँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? हाँ? पहले बेटी पर ध्यान नहीं दिया, अब इस तरह रोकर क्या फायदा? क्यों रे, तू सिर्फ नाम के लिए बड़ा हुआ है, तेरी बहन कहाँ जाती है, क्या करती है, तू उसका ध्यान नहीं रख सकता? तुम्हें बोलने से कोई फायदा नहीं, मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, यही मेरी गलती है। अब इसके कदम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ अपने पति के साथ। अशोक कहाँ है माजी? पता नहीं बेटा कहाँ गया है। गिरीश, तू मेरी बात समझे गया या नहीं पता नहीं, जिस लड़की को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। अशोक कहाँ है? अशोक तो यहाँ नहीं आया। अशोक, ए, 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 संभल कर। ए, क्या हुआ तुझे? हमारे प्यार के बारे में माई के पिताजी को पता चल गया, उसके घर में बहुत झगड़ा हुआ, उसके पिताजी ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अशोक, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। हे, छी, मैं किस दिन काम आऊंगा? एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? वो सदानंद है ना? सदानंद अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं। सर, हाँ, कम से कम अब की बार समय पर आइए। हाँ ठीक है, ओके। लड़की के घर वाले थोड़े खतरनाक हैं, जरा संभल कर। इसे गिरवी मत रख, बेच दे। ए, राजा को सही सलामत रजिस्टर ऑफिस में लाना तेरा काम है। ओके। अशोक, माही को लेने कौन जाएगा? मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा जाना ही ठीक है।
प्लान में एक छोटा सा चेंज है। सब लोग ध्यान से सुनो, माही को लाने मैं नहीं जाऊंगा, प्रिया तुम जाओगी। ओके। ये लो चंदू, राजा को मैं खुद पिकअप कर लूंगा। ओके ओके, अब और कोई चेंज नहीं होगा। तुम सब लोग जरा अलर्ट रहना। अरे मुन्नी भाई, समझो कि मेरी शादी हो रही है, कोई बढ़िया सा हार दे दो। हाँ, अभी निकलती हूँ, इसे पकड़। ए, जल्दी आ जाना। ठीक है भाई। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। राजा टेंशन मत ले, रिलैक्स यार, वो आ जाएगी। कितना टेंशन में है देख, टेंशन में नाखून चबा चबा कर थोड़ी देर में सारी उंगलियां चबा लेगा और सुहाग रात के लिए बगैर हाथ के जाएगा। तू भी प्यार करके देख, बाद में टेंशन क्या है तुझे भी पता चल जाएगा। अच्छी लग रही है, जरा उसकी चाल तो देख, ऐसा आ रहा है जैसे उसने ही सब कुछ किया है। अगर आज अपना अशोक नहीं होता ना, तो ये अपना प्यार पाना तो दूर,
देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता। अपना अशोक जो भी प्लान करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। ये है अशोक और ये है माई, पर सभी से उमा बुलाते हैं। उमा महेश्वरी। अशोक, तुमसे मिलने के लिए मैंने कितनी बार ट्राई की पता है? तुम एक बात जानते हो, अब तक मैं राजा के सारे फ्रेंड्स के साथ मिल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें से नहीं मिल पाई। और वो एक दिन कॉलेज के पास तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे आने से पहले तुम लोग चले गए, वहीं से तुम्हें मिस कर गई। और इस तरह मिस होकर आखिर मेरी शादी के ऐन वक्त पर हमारी मुलाकात हो गई। अगर ये साड़ी मैं सिलेक्ट करने जाती तो शायद इतनी अच्छी साड़ी मैं कभी सिलेक्ट नहीं कर पाती। तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ही पसंद है। थैंक्स अ लॉट। अशोक की सिलेक्शन कभी भी मिस नहीं होती। अशोक, सभी लड़के वाले की तरफ से है, लड़की की तरफ से तुम यहाँ रहकर मेरी शादी करवाओगे ना? अशोक, इससे पहले राजा को टेंशन हो रही थी, अब तू क्यों टेंशन में आ गया? हमारी शादी अच्छे से करवानी है, यही टेंशन है इसे। जब तुम हमारे साथ हो अशोक, तो कोई टेंशन की बात नहीं। मुहूर्त का वक्त हो गया। हाँ, चलते हैं। हाँ चलो। राजा को देख कितना खुश लग रहा है ना? अशोक, रो मत रे, रो मत यार, तुझे उनके शादी करानी है, रो मत अशोक।
अशोक सब ठीक है ना? का चप्पा चप्पा छान मारो, अगर उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अगर उसकी शादी हो गई तो मैं उसके पति को मार दूंगा। मुझे धोखा देता है, ज्यादा पार निकल आए। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे उसे छोड़ दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जाओ। हर तरफ ढूंढो। अशोक, ये तेरी कराई हुई 25वीं शादी है, इस खुशी में सबको मिठाई खिलाऊंगा। एक मिनट रुको, हाँ इसमें से एक लो और दोनों एक दूसरे को प्यार से खिलाओ। अशोक तू भी ले, तेरी वजह से ही तो शादी हुई है। ए लो, आप भी खाओ। अपने माँ बाप का आशीर्वाद तो मुझे मिला नहीं, लेकिन आज तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी शादी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई, इसलिए तुम आंसू बहा रहे हो ना। इसके बदले मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगी। जिस तरह तुम सभी प्रेमियों को मिलाते हो, उसी तरह तुम्हें भी अपना प्यार जरूर मिल जाएगा। अब यही बात करते हुए खड़े मत रहो, और भी काम बाकी है, चलो। अरे आओ ना, बाद में देख लेना जी भर के। आओ चलो। हाय। सॉरी मैं लेट हो गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अशोक ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुजाता। कोई मुसीबत आने से पहले तुम्हारा यहाँ से जाना बेहतर है। मैंने बेंगलोर जाने का इंतजाम कर दिया है, 12 बजे की ट्रेन है। पांच नंबर प्लेटफॉर्म पर जल्दी जाओ। ठीक है चलो। ए, उसकी हड्डियां तोड़कर मेरी बेटी को वापस ले आओ। जाओ। ए, चलो पकड़ो उसे। चलो। ए, कहाँ जा रहा है? वही है ना, पहले उसे ही उखाड़ कर फेंक दो। पकड़ो उसे, पकड़ो।
Sir, green signal, please. जल्दी जाओ राजा, हम तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। अशोक मैं जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जा सकते। अशोक मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। अशोक अशोक उसे चला नहीं जा रहा है। अशोक अशोक राजा राजा हे भगवान ये क्या हो गया अशोक अशोक जाओ अशोक जाओ मैं ठीक हूँ जाओ अशोक अशोक Thank you.
मारो। छोड़ दो, बेटी तो चली गई, अब इसे मारने से क्या फायदा। चलो सर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है नहीं मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। सच्चा प्यार करता है तो बोल, अपनी जान भी दे दूंगा। Yeah.